एक लाइन में उन्होंने पूरा रिव्यू दे दिया था उनका ठीक है तो मतलब आई थिंक चंकी वाज बीइंग अ लिटिल हार्ड जब हमने ये शो शुरू किया था सीजन वन में हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ये शो कैसा यू you नो know, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा पहले क्या होता था कि हम आ, कहीं भी गए हैं तो कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे आ, चंकी अनन्या के साथ फ़ोटो चाहिए और वगैरह और इधर उधर देखकर कैमरा मेरे हाथ में या फोन मेरे हाथ में और मैं फिर उनको इकट्ठा करके फोटो लेती थी मुझे जितनी खुशी मुझे अनन्या को देखते हुए जब अनन्या के साथ ही होता है वो देखकर होती है इतनी मुझे अपने आप से भी नहीं होती आपने फर्स्ट सीजन से लेके थर्ड सीजन में तो भावना का एक ग्रोथ सीज़न uh, वन में मैं बहुत नर्वस थी ये शो ऐसा है जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे इसमें आप ज़्यादा छुपा नहीं सकते जब मैं सीज़न वन शूट कर रही थी उस सेम साल में अनन्या की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू आई थी मई में मेरी अटेम्प्ट थी कि आई शुड लुक नाइस एज अप्रोप्रिएट जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो इट्स नॉट ईजी टू बी स्किनी जस्ट आफ्टर अनन्या वॉज बॉर्न मैं एक वीडियो जॉकी थी

मतलब कितनी बार हमने इतनी लड़ाइयाँ की है चिल्ला चिल्ला के इस बार तो इनफैक्ट वी वर लिटिल मोर कॉन्शियस हम लोग थोड़े ठहरे हुए थे एक्चुअली दिल्ली मेरे लिए हमेशा बहुत लकी रहा है मैं चंकी को पहली टाइम जब पहली दफ़ा जब मिली एक्चुअली दिस इज सच ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी तो उन्होंने मेरे से मेरा नंबर मांगा था तो मैंने नंबर दे दिया उनको अपना और फिर एक ऐसा नंबर दिया जो हमेशा खराब रहता था मैं पर्सनली चाहती थी वो कॉलेज जाए अनन्या एन एक्टर

थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी एक स्टोरी देखी जिसमें hmm. बहुत मुझे वो स्टोरी देख के पता चल रहा था कि वो कितने प्राउड और कितने वॉर्मनेस से लगाई गई है अखबार की एक कटिंग थी दभावना पांडे यू डंट नो हैदराबाद का एक yeah. बड़ा विदाउट yeah. टेक द नेम बट वेरी प्रेस्टीजियस सो yeah. yeah. so, आज बहुत सारे लोग वो भावना पांडे को जानना चाहते हैं जिन्हें हम नहीं जानते या

चंकी को कुछ तो बोलना ही है ना <laughs> नहीं, नहीं नहीं वो इतना उन्होंने एक लाइन में उन्होंने पूरा रिव्यू दे दिया था उनका ठीक है तो मतलब आई थिंक चंकी वाज बीइंग अ लिटिल हार्ड वो आपको लग रहा था सो so, ओवरऑल आज आप यहाँ बैठे हैं एक इंटरव्यू इससे पहले हुआ एक इंटरव्यू इसके बाद होना है फिर उसके बाद अभी यू आस्किंग द टीम और कितने हैं हाउ इज द फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग है आई एम फीलिंग वेरी गुड मुझे बहुत खुशी है कि द शो इज़ डन सो वेल इसलिए आप भी आज इधर बैठे हैं yes, मेरे साथ चाय पी रहे हैं नहीं तो करते हैं बट फाइनली नो नो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग और uh, जब हमने ये शो शुरू किया था सीजन वन में हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ये शो कैसा यू नो लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा और uh, बहुत एप्रीहेंशंस थे बट थैंकफुली uh, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया हमें इतने मैसेजेस मिल रहे हैं और uh, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमारे शो के लिए सो इट्स इट्स अ जेन्यूनली अ वेरी गुड फीलिंग और कभी भी नहीं सोचा था कि अब मेरे uh, इस जून में मैं 50 साल की हुई हूँ कि कभी भी नहीं सोचा था कि 50 साल की उम्र में सडनली <laughs> इस तरीके से इतना प्यार मिलेगा ये सब आपने देखा तो है सालों से इंडस्ट्री in और I mean, आप यूज टू हुए इन चीजों के ठीक है कभी चंकी के साथ कभी अनन्या के साथ बट नाउ इट्स हैपनिंग विद यू तो वो जो एक डिफरेंस होता था कि पहले जब आप जाते थे ठीक hmm. है तो जाहिर पीपल वर लाइक आफ्टर अनन्या hmm. सेल्फी लेनी है एंड यू नो जेन जी स्पेशली देर लाइक क्रेजी मैंने तो ये मैंने पहले भी एक इंटरव्यू hmm. में बोला था क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था कि क्या चेंज है hmm. तो मैंने बोला कि पहले क्या होता था कि हम आ, कहीं भी गए हैं hmm. तो कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे आप चंकी अनन्न्या के साथ फ़ोटो चाहिए और वगैरह और इधर उधर देखकर कैमरा मेरे हाथ में या फ़ोन मेरे हाथ में और मैं फिर उनको इकट्ठा करके फ़ोटो लेती थी पर अब क्या होने लगा है कि वो बोलते नहीं 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 आप ही आइए आपके साथ फ़ोटो चाहिए <laughs> तो बहुत ही मज़ेदार फीलिंग है आ, पर आ, जितना मुझे जितनी खुशी मुझे अनन्या को देखते हुए जब अनन्या के साथ ही होता है वो देख होती है इतनी मुझे अपने आप से भी नहीं हो रही

How ki sweet. क्या स्टाइल है प्लीज थैंक यू फ्रेंड मैं ये वीडियो ही भेजूंगा शी ओनली टोल्ड मी कि आपको <aap> <laughs> 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 नहीं पता मतलब कि मैंने पहले दो सीजन उतने नहीं देखे टू बी वेरी फ्रेंड नहीं देखे सीजन आई लव थर्ड सीजन मुझे बहुत क्योंकि आप बायस्ट हो क्योंकि जैसे ही दिल्ली शब्द उसमें आया आपने कहा मैं ये देखूंगा उस वक्त आई वाज नॉट रिव्यूइंग द शोस दैट मच अभी मेरी मेरी नौकरी यही है कि आई हैव टू सी द शोस आई हैव टू रिव्यू देन आई हैव टू इंटरव्यू दोस पीपल जिनके बारे में लोग जानते हैं करेक्ट सो इट्स लाइक माई जॉब मेरा काम है मुझे पैसे मिलते हैं इस चीज के <laughs> तो शी टोल्ड मी कि यार आपने मतलब स्टाइल दे अच्छा मैं तो मुझे लगा कि स्टाइल ऐसा ही होगा कि फिर मैंने थोड़े पुराने ग्लिम्सेज उनको देखे तो हाउ दिस चेंज है आई थिंक क्या हुआ है कि सीज़न uh, season one में मैं बहुत नर्वस थी टू बी ऑनेस्ट क्या हो रहा था कि पहली बार यू नो आई वॉज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और ये सिर्फ कैमरा के सामने आने वाली बात नहीं थी ये तुम अपनी पर्सनल लाइफ लेके ये नहीं है कि तुम कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तुम्हें चार लाइनें दे दी हैं तुम वो बोल के टाटा बाय बाय करके घर जा रहे हो ये ऐसा शो है जहाँ तुम अपनी पर्सनल लाइफ लोगों को दिखा रहे हो यू नो ऑल्सो तुम उनको ये मौका देख रहे हो दे रहे हो कि आपके अंदर झांके की आपकी पर्सनैलिटी कैसी है आप घर पर कैसे हो घर के बाहर कैसे हो और ये शो ऐसा है जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे इसमें आप ज़्यादा छुपा नहीं सकते अगर आप ट्राई भी करो तो क्योंकि हम हर सीन तीन चार घंटे यू नो शूट होता है कैमरास हैं तुम पाँच मिनट कॉन्शियस होगे दस मिनट कॉन्शियस होगे तुम प्रिटेंड करोगे बोलोगे कि मैं सिर्फ अपने बेस्ट बिहेवियर पर रहूँगी कुछ कहूँगी नहीं बट शो का नेचर ऐसा है कि आपके अंदर जो आप फील कर रहे हो वो अल्टीमेटली निकलेगा और वो ऑडियंस देखेगी तो आई वॉज़ वेरी नर्वस अबाउट दैट और क्या हुआ था कि उसी साल जब मैं सीज़न वन शूट कर रही थी उस सेम साल में अनन्या की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू आई थी मई मे में और आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हमने ये शो शूट करना शुरू किया और uh, तो जब हम शूट कर रहे थे उसी टाइम उसकी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी पति पत्नी और वो तो आई वॉज़ वेरी नर्वस मुझे बहुत घबराहट थी कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ या मेरा कुछ यू नो मेरा कोई ऐसा सीन ना हो या मेरा कोई ऐसा कैरेक्टर ट्रेट ना बाहर आए जिससे इट शुड अफेक्ट यू नो हर्क और चंकीज़ वर्क बिकॉज हम सब इसी लाइन में हैं सो आई वॉज़ वेरी नर्वस अबाउट दैट बट ओवर सीज़न वन सीज़न टू सीज़न थ्री आई थिंक मेरे लिए प्रोफेशनली एंड पर्सनली देर हैज़ बीन अवज ग्रोथ मैं पहले सीज़न में बहुत सेंसिटिव थी मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि ये बोलूँ नहीं बोलूँ या किसी ने मुझे कह भी दिया आई यूट टू टेक इट टू मच टू हार्ट इवन दो देर माई फ्रेंड्स पर आई एव जस्ट बिकम स्ट्रांगर एंड स्टाइल वाइज इफ यू देखो फर्स्ट सीजन में मैं इतनी नर्वस थी कि मैंने अपने ऊपर कैसे लग रही हूँ इतना ध्यान नहीं दिया और जब मैंने फ़र्स्ट सीज़न देखा उसके बाद मैंने कहा माई गॉड मेरे हेयर कलर इतना बेकार लग रहा है और मैं यहाँ से ऐसी लग रही हूँ वो लग रही हूँ तो आई गेव लिटिल मोर एफर्ट इन दिस सीजन एंड आई एम हैप्पी बिकॉज इट्स पेड ऑफ़

अच्छा चल, चलो hmm. उनको शौक है पहनने का एक्चुअली वो, हाँ. वो, hmm. hmm. we'll hmm. वो मेरी अटैम्प कभी भी नहीं थी मेरी अटैम्प थी कि आई शुड लुक नाइस एज अप्रोप्रिएट वो मेरे पर्सनल है एंड uh, मुझे ब्राइट कलर्स का बहुत शौक है आज नहीं पहना बट यूजअली मुझे ब्राइट कलर्स का बहुत शौक है जनरली भी तो मैंने सारे अपने ब्राइट कलर्स की पूरी जो भड़ास है वो इस सीजन थ्री में निकाल दी <laughs> और ऑल्सो यू नो अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो इट्स नॉट ईजी टू बी स्किनी मतलब ठीक right. right. है यू यू नो हैव योर नेचुरल बॉडी बॉडी जो तो जो शुड बी अ तो सूट कर ना वो पहना है सो so, आई yeah. yeah. वो लोगों को अच्छा भी लगता है yeah. लोगों को लगता ये हमारे जैसी जैकेट से कवर uh, कर ली थोड़ी yeah. कहीं ना कहीं मैं ऐसे मतलब दे नॉट ट्राइंग टू बी जबरदस्ती कुछ बट दे आर लाइक अस अच्छा बट दिस क्रेडिट मैं सिर्फ अकेले नहीं लूँगी मेरे मेरी मेकअप टीम श्वेता मेरी हेयर स्टाइलिस्ट मेरी स्टाइलिंग टीम मोहित राय और तरंग उन्होंने बहुत बहुत काम किया है टू मेक मी लुक The way I was looking in the show. नहीं यार मतलब आप लोगों yeah. के लिए तो हेयर सॉफ्ट मतलब मैं पर्सनली आपका फेन हूं। या थैंक यू मैंने हेयर स्टाइल का स्टाइलिस्ट का नाम नहीं लिया क्योंकि चार पांच आई थी। <laughs> चारों पांचों को। <laughs> चारों पांचों को। अच्छा हाउ इट ऑल स्टार्टेड? फर्स्ट जो सीज़न था। कैसे ऑफर हुआ? How you thought कि मत मतलब, मतलब मैं थी एक्चुअली बहुत साल पहले मेरी जब शादी अभी अभी हुई थी जस्ट आफ्टर अनन्या वॉज बॉर्न मैं एक वीडियो जॉकी थी फॉर बी फो यू म्यूजिक एंड बी फो यू मूवीज तो मैंने एक दो yeah. साल किया था बट मज़े में फ़न hmm. में क्योंकि समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि क्या काम करूँ मुझे काम करने की आदत थी शुरू hmm. से क्योंकि मैं जब कॉलेज में भी थी मैं हमेशा पार्ट टाइम जॉब्स कुछ ना कुछ करती रहती थी

टर्बुलेंस थी सीमा और मैं घबरा रहे थे नीलम हमें देख भी नहीं रही थी अपनी लिपस्टिक लगा रही थी और बीच में एक कमेंट दे दिया महीप अपना अलग से शोर मचा रही थी तो जो शो में दिखा वो सब हो वो था, सब रहा, वो सब हो रहा था फ्लाइट के, के अंदर तो करण फॉर अ चेंज वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे वो हमें नोटिस कर रहे थे और उन्होंने फिर हमें कहा कि वापस आकर उन्होंने एक्चुअली महीप से पहले बात की थी और उसने कहा कि मैं आप लोगों पर एक शो बनाना चाहता हूँ बिकॉज यू आल आर सो एंटरटेनिंग टू वॉच अगर कोई साइड में बैठ के सिर्फ आप लोगों की बातें सुन रहे हैं एंड द वे यू ऑल बिहेव यू आर आर सो नेचुरल कि आई वॉन्ट टू मेक अ शो तो महिप ने हमें बताया और हम लोग फिर हंस रहे थे हमने कहा ये शो नहीं बनने वाला कौन हमारे ऊपर शो बनाएगा इस उम्र में कौन इंटरेस्टेड है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में बट हैथ ऑफ टू हिम ही पुश्ड इट ही मेड द कॉन्सेप्ट आई थिंक देन दे यू नो वर्कड ऑन इट देन अनिशा आर शो रनर दे आई मीन शी इज़ अ प्रोड्यूसर ऑन द शो वो लोग जाके उन्होंने आई थिंक नेटफ्लिक्स को प्रेजेंट किया एंड नेटफ्लिक्स वाज वेरी एक्साइटेड एंड रेस्ट इज टुडे आई वोंट इवन कॉल इट हिस्ट्री टुडे एंड ऑन गोइंग या अब अगर आपका जब विकिपीडिया पेज होगा यू नो व्हेन पीपल विल राइट आर्टिकल अबाउट दे विल नॉट जस्ट राइट वाइफ ऑफ चंकी पांडे एंड मदर ऑफ अनन्या पांडे सो जो विजय जो, जो विजय 69 में hmm. हुआ मैंने लकीली भावना 50 में कर लिया <laughs> तो <laughs> <Right? laughs> तो उसमें बोला कि पांडे के मम्मी पापा ने दोनों इन दिनों जो है मचाया हुआ। मचाया एक, हुआ, yes. तो हुआ, तो है तो, तबी, तबी। yeah. <laughs> है बवाल बवाल मचाया मचाया हुआ 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 फर्स्ट चंकी को पहली टाइम जब पहली दफा जब मिली एक्चुअली दिस इज सच ए इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे आपको आपसे शो से पहले मिलना चाहिए था क्योंकि मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी शो पे फोर्थ सीजन में फिर बोल दूँगी, आई मेट माई हजबेंड चंकी में दिस शो गॉड ऑफर टू मी ऑन माई वे टू डेली आई वॉज बॉर्न इन डेली ये एंड या मेरे पेरेंट्स अभी भी वहाँ रहते हैं मेरे पेरेंट्स हैं गुड़गांव में डी एल एफ में आपकी क्या उम्र है इफ़ फिर उनना से फोटी वन तो फिर मे बी आपको ये जगह के बारे में मालूम होगा तो ये एक नाइट क्लब हुआ करता था उसका नाम था घुघरू hmm. मौर्या चैरिटन yes. yes. में सुना ही होगा yes. क्योंकि uh, काफ़ी पॉपुलर था तो uh, चंकी एक्चुअली uh, दिल्ली आए थे मिस इंडिया जज करने एंड उनकी फ़्लाइट मिस हो गई तो फिर वो नीचे घुंगरू में पार्टी करने चले गए और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हमारे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे मैं तब कॉलेज में थी फाइनल ईयर के फाइनल ईयर फाइनल एग्जाम चल रहे थे और तो हमने कहा चलो एक चक्कर मार के आते हैं थोड़ी ब्रेक लेते हैं पढ़ाई से फिर वापस आके पढ़ेंगे तो मैं वो एक घंटे के लिए मैं वहाँ गई घुंघरूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ और मेरी वहाँ चंकी से पहली बार मुलाकात हुई थी पहले तो मैंने जब चंकी को देखा मैं हाई करके थोड़ा आगे निकल गई मुझे लगा कोई गुड लुकिंग लड़का है कहीं देखा है और जैसे हम दो, दो कदम आगे गए मेरी फ्रेंड्स और मैंने हमने कहा नो दैट्स चंकी पांडे तो फिर हम मुड़ के वापस आए और फिर हमने बातें की और यू नो वी वी डांस ट बेट एंड ऑल एंड गॉट टू नो इच अदर लिटल बेट्स उस उस टाइम पे एंड जब मैं uh, मेरे को जल्दी निकलना था घर जाके पढ़ाई करनी थी तो उन्होंने मेरे से मेरा नंबर मांगा था तो मैंने नंबर दे दिया उनको अपना और फिर uh, एक ऐसा नंबर दिया जो हमेशा ख़राब रहता था आपको <laughs> पता है लैंड लाइन्स तो दो लैंड लाइन्स थी मेरे पास जो क्योंकि मुझे मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड आई वॉज वेरी स्कैड कि अगर इस लड़के का फ़ोन आया एंड डेट टू एक्टर का फ़ोन आया और आ, पापा को पता चला तो बहुत बहुत डांट पड़ेगी तो मैंने उनको एक गलत वाला नंबर दे दिया बट एनी anyway, वो अगले दिन वापस बॉम्बे चले गए मेरे अपने एग्जाम्स में बिजी हो गई फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए आ, मुझे सी बनना था पर फिर मैंने आ, सोचा कि नहीं मुझे अभी एक साल ब्रेक लेनी है मुझे इतना पढ़ना नहीं है और आई वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर अ तो आई लुफ्तानज़ा एयरलाइन जस्ट स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियन गर्ल्स तो मैंने वहाँ अप्लाई किया तो मेरे को वहाँ जॉब मिल गई एंड आई मैं फ़्रैंकफर्ट चली गई वहाँ ट्रेनिंग वगैरह के लिए और इस टाइम में आई थिंक पाँच छः महीने बीत गए सो चंकी जब अगली बार दिल्ली आए तो उन्होंने मेरी लैंडलाइन पे फ़ोन किया और वो जो ख़राब नंबर उस दिन बच गया oh. <laughs> और मेरे पापा ने उठाया फ़ोन और उन्होंने बोला चंकी ने अपना रियल नाम नहीं दिया उन्होंने बोला मैं सुनील बोल रहा हूँ एंड आई वॉन्ट टू स्पीक टू भावना तो मेरे फादर ने उनको कहा कि नी मोर हमारी हमारी धारोन सबको पता होगा कि पेरेंट्स क्या करते थे अब तो मोबाइल्स हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता तो 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 है फिर थ्रू कॉमन फ्रेंड्स चंकी को पता चला दैट आई है कंट्री वो मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए गई थी फिर बॉम्बे में जब फ्लाइट पर आई देन वी कनेक्टेड अगैन फिर तीन चार बार मिले फिर आई थिंक वही एक डेढ़ साल के विद इन वन एंड हाफ ईयर्स हमारी शादी भी हो गई इंगेजमेंट दिल्ली yeah. में हुई थी ओ माय गॉड क्या धमाल हुआ था सलमान एंड रेखा के लॉट्स ऑफ पीपल केम सो क्या हुआ था कि uh, uh, चंकी को चंकी और उनके फादर का मन था कि शादी बॉम्बे में हो बिकॉज दे देशन हमारे यहाँ पे बहुत लाइक like, इंडस्ट्री के लोग एंड हिज फादर वॉज अ वेरी रिनाउंड हार्ट सर्जन उनको अपने पूरे सारे डॉक्टर्स को बुलाना था तो उन्होंने कहा कि पर हमें था कि हमें कुछ तो दिल्ली में करना चाहिए तो फिर डिसाइड हुआ कि मैं इंगेजमेंट हम लोग दिल्ली में करेंगे और बड़ा फंक्शन करेंगे और फिर शादी बॉम्बे में होगी तो चंकी ने बोला कि मैं अपने ना अंकल मेरे फादर को कि अंकल आई विल ब्रिंग सम थर्टी फोर्टी फ्रेंड्स ऑफ माई बस इतने ही आ रहे हैं ये हमारे गेस्ट हैं और आपको जिनको बुलाना है तो हमने कहा ठीक है अब वो चालीस गेस्ट कौन होने वाले थे मतलब मुझे थोड़ा आइडिया था पर कौन इवेंचुअली आता है नहीं आता है ऐसे पता नहीं चलता बट देर वॉज़ जस्ट एवरी वन देर वॉज आई रिमेंबर देर वॉज़ रेखा एंड देर वॉज़ सलमान देर वॉज़ आई मीन संजय कपूर महीप नीलम वॉज देर सीमा भी आई थी सीमा भी मे चंकी uh, की कज़न है तो वो भी आई थी uh, इसके लिए मेरी एक्चुअली ये सारी फ्रेंड्स थी मेरी एंगेजमेंट पे नॉट एज माई फ्रेंड एज़ चंकीज़ फ्रेंड्स और फिर आई मीन राजेश खन्ना जी थे शत्रुघ्न सिन्हा मीन्स लाइक आई एम लाइक फॉरगेटिंग जैकी श्रॉफ और मैं तब की बात कर रही हूँ 28 uh, साल पहले जब एक्टर्स दिखते नहीं थे नहीं दिखते, right. किसी को नहीं दिखते थे कोई इंस्टाग्राम नहीं था सोशल मीडिया नहीं था आई I मीन mean, महीने में एक बार वो स्टार्डर्स या सिनेब्लिट्स या जो भी मैगजीन्स आती थी तब दिखाई देते थे एक्टर्स नहीं तो आई एम तो सेंग सारे लोग मतलब इतना I mean, I, मे, को actually थोड़ी आने लग गई ही छोड़ दिया वो भूल गए कि इसकी शादी है सब <laughs> actors के पीछे भाग रहे थे। <laughs> <laughs> के शादी वाले दिन दुल्हन पे ले लेंगे हाँ बट सी आई अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही इट्स जस्ट दैट कि मैं तब तक तीन चार बार बॉम्बे आ चुकी थी ये सारे चंकी के फ्रेंड्स थे फैमिली जैसे थी तो मैं इन सबको बहुत बार मिल चुकी थी मतलब तीन चार बार मिल चुकी थी थोड़ा मेरे लिए फिर भी थोड़ा इजी हो गया था थोड़ा सा थोड़ा, हो थोड़ा सा हल्का सा नॉट वेरी मच आई मीन आई वाज स्टिल वेरी एक्साइटेड कि ये लोग सब मतलब मेरी एंगेजमेंट पे थे बट वी डेंट रियलाइज़ की कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा मतलब हमें लगा यू नो ऑटोग्राफ बट सब लोगों को फोटो खींचनी थी ऑटोग्राफ्स चाहिए थे mm -hmm. और उनसे बातें करनी थी बिकॉज एक फंक्शन पे छोटे फंक्शन पे मतलब अगर सौ गेस्ट है उसमें से चालीस फिल्म इंडस्ट्री तो मतलब, के या या तो तो आम बंदे के लिए तो मतलब हो दिल्ली में दिल्ली में और अट्ठाईस साल पहले hmm. मैं बता रही हूँ आज तो फिर भी अलग बात है अट्ठाईस साल पहले की बात कर रहे हैं सो आई रिमेंबर कि आई वेंट अप टू माई फादर एंड लॉन आई वॉज लाइक अंकल आई एम सो एम्बेरस्ड कि यू नो ये सब हो रहा है आई डेंट थिंक लाइक दैट तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी तब उन्होंने कहा कि यू you नो know, भावना रिमेंबर वन थिंग कि अगर इनको ये रिएक्शन नहीं मिलता

हुआ तब आपके एंट्राइज ने आपको घेर रखा, रखा तो है sometimes, you know, किसी की फ्लाइट छूट रही है या कुछ है होता है बट इट है आपको अगर अटेंशन नहीं मिल रही है इम्पोर्टेंट आई थिंक Born in Delhi. So, I was born in Delhi, तो मुझे अपना uh, मतलब मुझे मुझे याद है तब तब हम लोग हैोहिनी हाँ तो मालूम हो। ही होगा वहाँ क्योंकि वहाँ हमेशा से हमारा घर था मतलब मेरे पापा ने अपने आप वो घर बनाया था यू नो तुम अपना खुद का घर बनाओ सो इम्पोर्टेंट तो हम वहाँ रहते थे पर मैं बहुत छोटी थी जब हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए बिकॉज मेरे फादर फ़िलिप्स के साथ थे ही वॉज़ वर्किंग विद फिलिप्स ही वॉज़ इन फाइनेंस विद फिलिप्स एंड उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी तो वो बॉम्बे में भी उनकी ट्रांसफ़र हुई थी चंडीगढ़ में भी हुई थी कैलकटा में भी हुई थी हर जगह हुई थी पर हम सिर्फ बॉम्बे आए थे उनके साथ तो वो बहुत मैं छोटी थी इतना मुझे खास याद नहीं है बट फिर मैं बॉम्बे आई और फिर बॉम्बे में मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग की फिर मेरी कॉलेज लाइफ दिल्ली में थी मैं वापस जाके फिर मैंने आ, आ, मैं दिल्ली में थी दो साल एलेवेंथ ट्वेल्थ जो मैंने मॉन्टफोर्ट से किए और उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बी कॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और, सार और सार फिर वन ईयर ऑफ फ्लाइंग विद गुफ्तानजा उसके बाद मैं फिर वापस बॉम्बे शिफ्ट हो गई तो मतलब आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैंने कितना शो ऑफ किया है शो में अगर आपने देखा होगा देखो उनको मतलब वालों को पता एडमिशन मिलता नहीं है पे मेरे It's को मेरे को दिल्ली में बहुत मज़ा आया आई मेड सम वेरी नाइस फ्रेंड्स इन डेली जो आज तक मेरे, मेरे friends, hmm. दोस्त हैं मेरी कॉलेज फ्रेंड्स और इवन अदरवाइज जो मैंने अपने दोस्त बनाए हैं दिल्ली में मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ एटलीस्ट मैं उनको फ़ोन करती हूँ hmm. अगर मिल um, um, ना पाऊँ और कॉलेज लाइफ वॉज टू गुड आई थिंक माई बेस्ट ईयर्स आई वुड से ऑफ माई लाइफ हैव बीन इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऑफकोर्स कमला नगर चाचा के छोले भटूरे निरलाज में uh, हमेशा बर्गर कोक और uh, हॉट चॉकलेट फाज मतलब आई डोंट नो हम इतना खाते कैसे थे <laughs> आजकल तो ऐसा लगता हवा में खा लो तो हम <laughs> तो तो पता नहीं।, नहीं क्या होता था हमारी कैंटीन के समोसे द बेस्ट सेंट स्टीफन्स के मिन्ट्स उनके कटलेट्स होते वहाँ कैफे था सेंट स्टीफन वाज़ अ कैफे बाकी सब कैंटीन्स थी हिंदू के ब्रेड पकौड़ा आसमी सब खाया है मेरा तो किरोडीमल कॉलेज था आपका केम, केम तो हमें हमेशा श्रीराम से जब हमें कमला नगर जाना होता था हाँ तो हमें करोड़ीमल से हाँ। निकल हाँ। के जाना होता था तो, हाँ। और इतने कैट कॉल्स होते थे वहाँ पे इतने कैट कॉल्स हाँ। मतलब विस्लिंग और नाम बुलाना जोर जोर से काफी तंग करते थे वहाँ के हॉस्टल के लड़के एंट्री कैसे होती थी वो तो अंदर एक बैक गेट तो नहीं अब अंदर से आप डीयू कैंपस से अंदर जा, जाते हो और कमला नगर निकलते हो तो वो क्या रास्ता है वो थ्रू माली है ना? हाँ, किरोड़ी माली है, हाँ, तो वहाँ पे जो हॉस्टल के लड़के थे तो वो तो वहीं घूम रहे होते थे, थे ना नहीं हमारे कॉलेज में एक बैक गेट था हाँ। जो सीधे कमला नगर का जो एकदम सर्कल था ना वहाँ पे खुलता था तो वही तो हम आते थे पर अंदर कहा से था वो तो डीयू कैंपस साइड से

बहुत साल पहले अगर आप आग मेरे एकदम बचपन की बात याद करो तो मेरी नानी वहाँ ऊपर रहती थी चाचाज के ऊपर या तो मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी उसके बाद वो सुखदेव बिहार शिफ्ट हो गए पर पहले वो वहाँ रहते थे और हम लोग जब बहुत छोटे थे और जब गर्मी की छुट्टियों में जब हम दिल्ली जाते थे और अपनी नानी के घर जाते थे तो वो नीचे से आते थे ऊपर छोले भटूरे बड़ी छोटी सी गली है मतलब मुझे मैंने जब देखा छोटी सी गली लाइन लगी पड़ी है घंटे चार चार के लिए वो शॉप खोलते हैं। बट आपको पता है अनन्या जब यहां जाती है दिल्ली अपनी चाचा के छोले भटूरे <laughs> <लौस। laughs> मेरी सिस्टर मंगवाती है और जहाँ पे भी उसकी प्रमोशन चल रही है और उसके लिए वहाँ जाते हैं खाने के लिए या अभी तक बट वही है छोले भटूरे कुछ दिन के लिए नहीं मतलब वो वो या अच्छा अच्छा तो उसके बाद शादी हुई जब वाली वाली शुरू थी you know, you know, जो शो बना बॉलीवुड हाँ. वो लाइफ कैसी थी उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया उतना नहीं कुछ कुछ भी नहीं था, था। मतलब आजकल तो आई I मीन mean,

मतलब हमारी uh, कई बार हम लोग सोचते हैं कि दीज किड्स हैव नॉट सीन एनी थिंग दैट वी हैव एंड दे के नॉट लिव लाइफ लाइक वी डिड बिकॉज वो तो कुछ हल्की छोटी सी भी गलती करते हैं पकड़ में आई आ जाती है एंड इट्स लाइक मेड इन टू बिग न्यूज़ एंड चंकी से हम लोगों ने तो इतनी बदमाशियाँ की आज तक किसी को पता नहीं चला सो so, या yeah, वो फ्राम देट प्रवेसी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चेंज है लाइफ व सिंपल लाइफ उज स्वीट एवरी वन मस्ट फ्रेंड्स लाइक आई कैन टेल यू मतलब मतलब फॉर ऑल दी स्टार्स टू कम फॉर चंकीज एट दैट टाइम ऑफ़ कोर्स ही रिलेशनशिप्स पर आजकल टाइम किसके पास है यू नो लाइफ चेंज सो मच आई मीन आज हम अपने खुद के क्लोज यू नो फ्रेंड्स रिश्तेदारों की मुश्किल से वी मेक इट टू बिकॉज़ सबकी लाइफ पर बहुत बट आई थिंक दैट टाइम लाइफ सिंपलर स्वीटर एंड सो मच फन आजकल जो खास तौर पे दौर है, no. फिल्म स्टार्स या उनके बच्चे बहुत इतना एक इनसेंसिटिव दौर में कहूँ hmm. कि यू नो पीपल जस्ट दे ट्रीट तो उस पीपल एज यू नो कॉमोडिटी कुछ hmm. भी कमेंट होता है कुछ भी ट्रोलिंग होती है दे नो मतलब और कुछ भी न्यूज बनती है सेंसेशनलिज्म एट इट्स यू नो पीक और अलसे की मतलब कई बार हमें खुद को भी शर्म आ जाती yeah. है कि यू you नो know, कि क्या हो रहा है यार यू नो समाइम्स पेपराजीज वेन दे

आप में को एक बात बताओ अगर सौ लोग बैठ के कॉमेंट्स लिख रहे हैं या पंद्रह सौ उनके आदों के तो नाम भी असली नहीं हैं huh? और फेक अकाउंट्स account. है या कोई असली में भी लिख रहा है ठीक है वो उसने अपना ओपिनियन लिख के अपने घर चला गया सो गया बट आई थिंक कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि समवेयर द मीडिया पिकिंग अप दैट एंड पुटिंग इट अप ना इट्स बिकमिंग सेंसेशनल बिकॉज द मीडिया इज सेग इट ट्रोलर्स तो कहकर निकल रहे हैं उनकी कौन डेली really बार अभी मैं भी अगर अपनी पोस्ट के नीचे या किसी की भी पोस्ट के नीचे सौ कॉमेंट देखूंगी उसमें अस्सी नब्बे अच्छे होंगे विच इज़ वॉट वी नीड टू फोकस ऑन हम लोग क्या करते हैं हम वो दस नेगेटिव कॉमेंट्स को पे फोकस करते हैं और क्या होता है कई बार आई वोंट स्पीक अबाउट ऑल मीडिया हाउसेज बट कई बार क्या होता है वो दस में से एक कॉमेंट पकड़ के ही हेडलाइन mm -hmm. हो जाएगी शी वॉज ट्रोल्ड मर्सीसली अरे बट शी वॉज ऑल्सो लव्ड

आपके पास बहुत एक ऐसा कहूं कि तीन तीन लोग हैं जिनके लिए यू आर लाइक रीडिंग तो हाउ यू डील दिस सी ऑनेस्टली कोई मेरे बारे में कुछ लिखता है आई डोंट फील सो बैड बिकॉज इट ड मेक अ डिफरेंस टू मी बट अगर कोई चंकी या अनन्या के बारे में कुछ बोलता है आई फील वेरी बैड और ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था कुछ साल पहले बट अब क्या हो गया एज आई वॉज जस्ट टेलिंग यू की अब मुझे समझ आ रहा है कि ठीक है कई बार लोग लिख देते हैं ऐसे उनका मन कर रहा है लिखने के लिए लिख दिया और वो तो अपने अपने काम से चले गए और अपने उनको तो इट्स इट्स ऑफ नो मीनिंग टू देम कई बार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील कई बार यू नो यू कैन मेक आउट कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड इम्प्रूव वे यू नीड टू विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड जो बाकी के हैं वो तो मतलब आई कंसिडर इट नॉइज़ बट इट टुक मी टाइम टू रीच द आई इट डिड नॉट overnight. ओवर नाइट मुझे बहुत बुरा लगता था मैं रोती थी मैं चंकी से बोलती थी वाया दे राइटिंग लाइक दिस ये क्यों लिख रहे हैं दिस इज़ नॉट इवन ट्रू देन आई वॉन्टेड टू यू नो राइट पुट वन पोस्ट अप फ्रॉम माई साइड जो मेरे हस्बैंड uh, और अन्या दोनों ने मेरे हाथ ऐसे पीछे के नो नीड मोम मत लिखो आई वॉन्ट टू पुट अ पोस्ट आउट बट वट डिड यू मीन बाई राइटिंग दिस एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू बट यू लर्न आई हैर्न यू नो एंड अच स्ट्रोंगर पर्सन टूडे

नहीं कि कि पर आप पॉजिटिव को भी रिप्लाई दैट्स गुड बिकॉज़ क्या होता है कि कई बार है, हम हम हमें जैसे कमेंट्स आए उसमें से अच्छे हैं उनको लाइक 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 करके और कोई एक जो एक नेगेटिव कॉमेंट होगा उसको लाइक्स भी ज्यादा मिलते हैं बहुत जादा। बहुत जादा। बहुत जादा। Recently, हर फिल्म का नेगेटिव रिव्यू करते हो ट्रैक्स मो मैंने कहा मैंने तो बड़े सारे पॉजिटिव रिव्यू किए मैं कहा आठ में से हाँ। तीन नेगेटिव होंगे जो मुझे अच्छी नहीं लगी पांच पॉजिटिव होंगे अब मैंने उसे बोला कहा अभी कल ही मैंने विजय 69 का रिव्यू किया यू सीन दैट नहीं मैंने वो तो नहीं देखा

बोले मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तूने मेरी तारीफ की है, well. yeah. तो अच्छा बट he... उसको आपके सारे बुरे रिव्यूज याद थे ना यू नो वट एक बार बहुत पहले की बात है कि और वो मुझे बोल रहे थे कि कई बार हमारे प्लेटफॉर्म से ही इवन इफ वी रियली लव अ फिल्म हम दो रिव्यूज निकालते हैं वन जेन्यन वॉट वी फेल्ट एंड लव द फिल्म और कई बार हम एक नेगेटिव रिव्यू भी डाल देते हैं बिकॉज दैट रिव्यू विल ट्रैक लोग खोल के देखेंगे हंसेंगे नॉट I mean, आपका नहीं, नहीं 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 मैं वैसे कह रहा कि वी डोंट हैव यू नो एनी 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 इंस्ट्रक्शंस और एनीथिंग इफ आई फील अ फिल्म इज बैड इट्स बैड दैट्स हाउ इट शुड बी नो वन वंस आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय सीईओ ऑफिस ही सेड कि यार वो एक पिक्चर आई है तूने उसका रिव्यू किया बड़ा खराब था मैंने कहा हां सर बहुत घटिया था इज इट कि उसके प्रोड्यूसर मेरे मेरे दोस्त हैं। हाँ। वो थे। मैंने कहा सर फिल्म तो देखो आपकी खराब ही है हाँ। तो बोले कुछ हो सकता है मैंने कहा तो कुछ नहीं हो सकता <laughs> तो उन्होंने पूछा कुछ हो सकता है मैंने कहा बाकी अब मैं क्या बोलू आप मालिक हैं हाँ। तो मैंने कहा <laughs> मैं तो मैं नहीं। नहीं। उन्होंने फिर फोन पे तो बोला अच्छा चल ठीक है देख अगेन बोले यू डू फील लाइक

फ़र्क पड़ता है यू नो वेदर वी लाइक टू सेट और नॉट बिकॉज क्या होता है कि एटलीस्ट आजकल वैसे ही देर दे टू मनी ऑप्शन फॉर पीपल राइट टू गो एंड सी मूवीज एंड शोज और ये वो फिर ऊपर से यू you नो know, अगर अजेंडा बेस्ड आई एम नॉट सींग जेन्यून जेन्यून इज़ फाइन अजेंडा बेस्ड समथिंग अगेंस्ट अ फिल्म इज नॉट गुड बिकॉज पीपल एव वर्क सो हार्ड एंड देन समटाइम्स पीपल कैन इंफ्लुएंसड एंड दे डोंट वॉन्ट टू एनी वे डोट डोंट फील लाइक गोइंग फिर ऊपर से आपने

सो शी शी वॉज ऑलवेज़ अ वेरी फ़िल्मी किड उसको हिंदी पिक्चरों का हम हिंदी हिंदी मूवीज़ का बहुत शौक़ था बचपन से मतलब वो सारी पिक्चर खुशी खुशी देखती थी उसको मोस्ट ऑफ़ द सॉन्ग्स के स्टेप आते हैं उसको डांस करने का शौक़ था बर्थडे पार्टीज पे सबसे पहले किसी यू नो नॉर्मली पेरेंट्स बोलते हैं आओ देखो हमारा बच्चा नहीं वो हमसे पहले हम इससे पहले बोलें वो पहले ही जाती थी और उसको बहुत बहुत शौक़ था तो हमेशा मालूम था कि शौक है बट खुद एक्टर बनना है इतना कभी लगता था कभी नहीं लगता था बट इतना स्ट्रॉग कभी नहीं दिखा बिकॉज शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी एंड एंड ऑल्सो उसके ग्रैंड पेरेंट्स डॉक्टर्स थे तो uh, हमेशा उसकी और दादी की उसकी और उसकी दादी की कॉन्वर्सेशन यही होती थी कि अनन्या यू शुड बिकम अ डॉक्टर यू शुड बिकम अ डॉक्टर एंड शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड स्पेशली बायोलॉजी में शी वॉज रियली गुड बिकॉज टॉकिंग अबाउट द अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन तो लगता था कभी कभी बट इतना श्योर नहीं थे कि इफ़ शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर अब क्या हुआ कि थर्टीन फोर्टीन तक तो मतलब वो एकदम पढ़ाई में चली गई नो you know, चश्मा लग गया ऑल द टाइम्स इफ यू सी इन फैक्ट इफ़ यू टॉक टू माई फ्रेंड्स अगर उनको आप अनन्न्या के तेरह चौदह साल की उम्र की बातें बताओगे तो वो कहेंगे वो तो हमेशा चुपचाप के, बैठ के साइड में बैठी होती थी अगर हम बातें करें साइड में बैठ के बुक पढ़ रही होती थी तो उसको इतना वो बुक्स में चली गई थी और बट फिल्म्स का तब भी बहुत शौक था जो भी मूवी रिलीज होती थी उसको ज़रूर ही देखनी थी रितिक रोशन वाज हर फेवरेट एक्टर कलोना हो नहीं ना विच इज़ दिस फर्स्ट मूवी कलोनाम सिंग कहो कहो ना ना प्यार है सॉरी कहो ना प्यार है ऑफ कोर्स कभी खुशी कभी गम पू कैरेक्टर्स ये वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वन तो ये सब उसके बहुत शौक था देन क्या हुआ कि उसका जब स्कूलिंग ख़त्म हुआ एंड शी वाज अबाउट टू लीव फॉर कॉलेज वो जाने वाली थी कॉलेज एडमिशन भी हो गया शी वॉज गोइंग टू डू मीडिया एंड कम्युनिकेशन वो यू जा रही थी एल uh, ए में पढ़ने सब हो गया था वी आर इवन गिवन द रजिस्ट्रेशन वो जो तुम सीट ब्लॉक करके वो रजिस्ट्रेशन करते हो

हंड्रेड परसेंट एंड शी वेंट शी मेट देम शी डेडा ऑडिशन बोडेवर तब भी लग रहा था कि होगा बहुत बच्ची लगती थी हम टेलिंग यू रियली लग सोचा भी नहीं था कि एक्चुअली हो जाएगा एंड एक्चुअली इट इल हैपन देन शी गॉड सिलेक्टेड एंड शी वॉज लाइक कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज दैट वॉज क्वाइट अ धक्का टू चंकी एंड मी बिकॉज वी वर प्रडी श्योर शी वॉज गोइंग क्योंकि तब तक हमें लग रहा था नहीं होना होना फिर वो मूवी भी डिले हो गई थी एक साल के लिए तो हमें लग रहा था ये अब तो पक्का ये चली जाएगी एंड आई थिंक दैट्स वेर आई रियलाइज कि उसका अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है एंड शी नोज़ वॉट शी वॉन्ट्स एंड शी इज़ वेरी श्योर बिकॉज एंड नदर थिंग वी वर वेरी श्योर कि अगर हम इसको ज़्यादा मना करेंगे वी डोंट वॉन्ट हर टू ब्लेम आस फॉर हर फॉर इन्फोर्सिंग आर चॉइस ऑन हर क्योंकि अगर वो चली जाती कोई और लाइफ की जर्नी होती और ये रह जाता या हम उसे फोर्स करते या अपरचुनिटी चली जाती तो आई डोंट नो व्हाट इट वुड बी बट इट वाज आल्सो अ रिस्क बिकॉज वी डोंट नो कि मूवी कैसे चलेगी वेदर शी विल भी लाइक्ड बाई ऑडियंस क्या होगा तो इट वाज अ डबल एज इट्स वॉट बट दिस वॉज प्योरली हर डिसन मैं पर्सनली चाहती थी वो कॉलेज जाए बट दिस वॉज हर चॉइस एंड शी सेट फॉर मी आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर

I I think Ananya would would be, a, and I'm not saying it biased, but today after her her last few performances, I would put at At an आई थिंक अनन्या वुड बी एम नॉट से आफ्टर हर लास्ट फ्यू परफॉर्मेंसेस आई वुट हर एट एन एटर एट हमेशा रहना चाहिए 10 ऑन 10 तो ना कोई किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो 10 ऑन 10 है बिकॉज there इज ऑलवेज स्कोप फॉर improvement, ऑलवेज अच्छा अब तो आपको आप इन से बहुत, आपने बताया कि जब अनन्या स्टार्ट कर रही थी आप, I mean, आप उस, कितने दे रहे हो उसको एक्टिंग पे मुझे आई थिंक लास्ट अगर कुछ देखा जाए तो आई थिंक टू से बिकॉज़ शी इज़ वेरी अगर, 26 में, अगर उसने अपना घर खरीद लिया 26 साल में अगर मैं सोचूं हम क्या कर रहे थे तो शायद मुझे नहीं आई थिंक सी सी वी हैव कि हम लोग 18 में क्या कर रहे थे राइट इट्स अ जर्नी हम लोग 18 में मैं 18 में कैंटीन में बैठ के समोसे ठूस रही थी ओके दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग ओके वो 18 में शी डिसाइडेड कि hmm. मैं कॉलेज जाके उसकी सारी फ्रेंड्स जा रहे थे कॉलेज hmm. वो वो भी कर सकती थी शी कुड हैव सेड कि माय पेरेंट्स कैन अफोर्ड टू पे फॉर माय एजुकेशन थैंक गॉड कि चलो मैं कॉलेज जाती हूँ तीन चार साल इंजॉय करती हूँ अपना अंडरग्रैड करके पार्टी करके वापस आके मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी उसमें क्या है शी कुड हैव दैट बट शी डिसाइडेड नॉट टू गो विद हर फ्रेंड्स टू कॉलेज शी डिसाइडेड टू टेक दिस ऑन बिकॉज शी रियलाइज इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वॉट शी वॉज थिंकिंग ऑफ बींग इन लाइफ एंड शी वर्क टूवर्ड्स इट तो अठारह पे वो अपनी इनसिक्योरिटीज हैंडल कर रही थी अपना different different cheeze suddenly public eye so much this she had to go through all that so if 26 mein she managed to get her house then it's been a journey mujhe yaad hai liger film aayi <laughs> thi she was in delhi ha <laughs> for interview with vijay devrakonda yeah i was interviewing to so maine an introduction kiya to maine kaha ye south ke superstar hain and here is our

कोई अच्छा जैसे कभी यू नो ट्रैवल शो या टॉक शो उस टाइप की चीज़ जहाँ एक्टिंग तो नहीं करते उस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आई वुड लव टू डू इट एंड ऑफ कोर्स आई मेरा मेरा एक ब्रांड थी लव जैन विच वॉज हाई स्ट्रीट क्लोदिंग विच वी वेरी लकी वी कॉट इन्वेस्टर्स हू टेकन द ब्रांड एंड दे आर ग्रोइंग इट टू अनदर लेवल तो ना आई वॉन्ट टू आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ और नया शुरू करना चाहती हूँ फ्रॉम बिजनेस फैशन तो मैंने एक ब्रांड क्रिएट की थी विच इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज इन्वेस्टर्स आए हैं दे आर टेकिंग इट एंड दे आर ग्रोइंग द ब्रांड वी आर स्टिल इन्वॉल्व बट वेरी लिटल वो इन्वेस्टर्स ज्यादा उसको देख रहे हैं वो ब्रांड हमने एक्चुअली शो से पहले शुरू की थी बट येस इट मस्ट है नेम अब इट बट नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट अनदर ब्रांड आई डोंट नो फैशन जैसे हमने शो में देखा सात लोग चार मुंबई के जो एक्सपीरियंस है जो दो सीजन कर चुके हैं है, uh -huh. yeah. well, yeah. मुझे लगता है बहुत सारी इंडस्ट्री की अंदर की बातें जो कहीं नहीं पहुंचती वो शायद आपको पता होंगी या आप चारों लोगों को पता होगा करेक्ट ऑफ कोर्स करेक्ट ऑफ कोर्स वो फिल फैमिलीज uh, uh, yeah. हैं तो hmm. शालिनी उस न्यू और हमने देखा शो पे उनका एक सर्टेन माइंडसेट था जिससे yeah. ही वो चली हाउ यू सी दैट आई थिंक हट्स ऑफ टू शालिनी बिकॉज़ सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट सीजन में आई वॉज वेरी नर्वस आई वॉज वेरी कॉन्शियस ओके और uh, हमें पता नहीं था हाउ विल दिस दिस शो डू ठीक है इन लड़कियों के लिए ये एडवांटेज था कि दे न्यू दे व कमिंग इन टू अ शो दैट वॉज ऑलरेडी डूइंग वेल बट उनके लिए तो फर्स्ट टाइम था mm. ना तो हेट्स ऑफ टू हर टू ऑल थ्री सी रिधिमा मे बी फ्रॉम अ फिल्म फैमिली बट यू ए नॉट फेस द कैमरा सो आई विल से ऑल थ्री ऑफ दैम हेट्स ऑफ टू दैम टू पुट दैम सेल्व आउट द बिकॉज इट्स नॉट ईजी वी बीन थ्रू इट इट इज़ नॉट अ इजी थिंग शालिनिया इन पर्टिकुलर वर आई लव्ड अबाउट हर इज की एक तो वो बहुत यूनिक यूनिक है पर्सनैलिटी एंड ऊपर से शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ शी इज़ पुट हर सेल्फ आउट देर कम्प्लीटली शी इज एंटरटेंड पीपल शी इज गिविन वन लाइनर्स शी इज गिविन रिएक्शंस इवन टू आस एंड टू एवरी वन एल्स इन अ ब्यूटिफुल स्वीट काइंड मैनर विच हैज़ बीन लव्ड बाई ऑडियंसेज़

सातों में से कोई भी एंटरटेन करेगा तो बाकी तो एंटरटेन ही होएंगे ना अब वो शालिनी कर रही थी तो शालनी वाज एंटरटेनिंग अस द मोस्ट अब अगर सीमा ही उठ के ये करती तो सेम रिएक्शन होता ये नहीं है कि शालनी के लिए अलग रिएक्शन था और सीमा के लिए अलग रिएक्शन होता गर। गर। अगर यही मैं बोल रही हूँ कि अगर कल सीमा अपनी फुल ड्रेस पहन के समुंदर में जा रही है मेरा और नीलम का रिएक्शन सेम होना था ये नहीं है कि शालनी के लिए अलग है और किसी और के लिए अलग है और यू नो अगर क्यों हम आपने सीजन वन और टू में देखा होगा हमने एक एक दूसरे का इतना मजाक उड़ाया है मतलब कितनी बार हमने इतनी लड़ाइयाँ की है चिल्ला चिल्ला के इस बार तो इनफैक्ट वी वर लिटिल मोर कॉन्शियस हम लोग थोड़े ठहरे हुए थे हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं की जोर ज़ोर से आपस में तो हमने चीख चीख के मेरे फर्स्ट सीजन में वो आपने देखा नहीं है बट करण ने एक लंच होस्ट किया था और हाँ सीमा और मेरी आप लड़ाई सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा मुझे तो सबसे ज़्यादा मजा आया व्हेन करण की उन्होंने सबके बीच में जो आग लगाई कब सीजन थ्री में सीजन 3 में जब वो वो जो एक डेढ़ एपिसोड में करण आए थे और उन्होंने सबसे बात की सीजन थी, थी तो मतलब आई रियली एंजॉयड सीजन वन में सीमा और मेरे बीच में क्या अरे भाई ये बंदा नहीं। इज़ टू गुड इज़ टू गुड वंस आई सॉ हिम लाइव एक्टिंग इज़ टू गुड मतलब आई वाज़ शॉक्ड यार एक लाइन अगर 10 सेकंड में है ना 10 ही सेकंड

मतलब उसके बाद भी हम मिले हैं कितनी बार और ठीक uh, so of of yeah, मतलब yeah, hmm. है मतलब अगर हम सब एक दूसरे के साथ पूरे आठ एपिसोड में सिर्फ स्वीट रहे तो आप कभी के लिए आते exactly, आप का आप exactly, बोलते कितना बोरिंग शो इतने फेक hmm, hmm, इतना ये hmm. आपका ये रिएक्शन होना था तो आई राधा गेट दिस रिएक्शन देन पीपल सिंग बोरिंग एंड फेक फिंगर्स क्रॉस्ड नेटफ्लिक्स थर्मेटिक्स अनिशा जी प्लीज जल्दी बताइए इफ इट्सिंग वेन इट्सिंग टाइंग टू गेट बैक टू गोर ओकेट हैो जल्दी बताइए भाई ताकि हमें भी और कंटेंट मिले yes. और बहुत कुछ और जानने को मिले थैंक यू सो मच थैंक यू अमित लवली टॉकिंग टू अनदर इंटरव्यूअर इज वेटिंग सो मुझे लग रहा है बातें तो हम अभी एक घंटा और कर hey, सकते हैं दिस टाइम आई हैव सेड चलो अब एक बार मेकअप हेयर कर लिया कपड़े पहन लिए तो गेट ऑन विद इट या थैंक यू सो मच ऐसे मौके बहुत सारे मिले

ट मोर एंड मोर चांसेस टू प्रेज यूर वर्क अन्यज वर्क शंकी वर्क एंड मेरी तरफ से आप सबको लॉस ऑफ लव लॉट्स ऑफ बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू लवली टॉप